हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना की लाइफ में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और हम लोग बहुत पहले उठ चुके थे, हम नहीं बस हम ही उठे थे, और ये लड्डू नहीं उठे थे, लड्डू के पापा भी नहीं उठे थे। सुबह का नमस्ते कर रहे हैं जो सुबह में किया जाता है, और ये लड्डू खेल रहा है उठ के खिड़की के पास, इसका काम चालू। लड्डू बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। सिर्फ हंसता रहता है, कुछ बोलता भी नहीं अभी है। चेंज करना पड़ेगा, निकल रहा है इसका। अभी बिस्तर पर से हम लोग उठेंगे, काम सारा हो चुका है, बस ठंड की वजह से कंबल में ही हम लोग थे। थोड़े टाइम बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिस्तर पर से उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे, और लड्डू को भी मैंने मालिश वालिश करके कपड़ा दूसरा पहना दिया था, क्योंकि लड्डू को डेली नहाना सही नहीं है, और मैं भी नहीं नहाई। ठंडी में नहाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब कहीं जाना रहे, कोई मंडे ट्यूसडे पूजा करना रहे, तभी नहाते, नहीं तो नहीं नहाते हैं। ठंडी में तो बिल्कुल नहीं, गर्मी में तो डेली डेली 2 बार हो जाता है। और अभी हल्का हल्का कुहासा है, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग ये भी नोट कर रहे होंगे कि आज मेरी वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था तो मैंने न्यू फ़ोन ले लिया है, और मैं अपने न्यू फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं तो अच्छी दिख ही रही हूँ, एंड वीडियो भी बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम क्लीन। और आप लोग को कैसा आ रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी ठंडी पड़ रही है ना, कुहासा भी बहुत है, मतलब कुहासा थोड़ा हल्का ही है, लेकिन ठंडा लग रहा है, एंड धूप वूप का तो कोई चांस नहीं है। इतना ढेर सारा कपड़ा मैं सुबह ही धुल के डाल दी हूँ, अभी थोड़ा और लड्डू का कपड़ा चेंज की हूँ, वो धुलना बाकी है। मेरे अंदर ऐसा है ना, एक भी कपड़ा रहता तो मेरे मन में रहता है कि कपड़ा धुलना है, कपड़ा धुलना, चाहे एक ही कपड़ा क्यों ना धुलना रहे, जब तक मैं उसको धुल के ख़त्म ना करूँ तब तक मेरे मन में ये चलता रहता है, कपड़ा धुलना है, कपड़ा धुलना है। मेरे फ़ोन के वजह से मैंने अपने खेत का ब्लॉग नहीं शूट कर पाया था। इतना अच्छा अच्छा साग वाग हुआ था, सब काट वाट के खा गए, अभी फिर हो रहा है। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को अपने खेत का हाल दिखा देते हैं, कैसा दिख रहा है। अभी तो एकदम हरा भरा हो गया है खेत। ए लड्डू, तो सबसे पहले ये हमारा मूली रहा, मूली नीचे मतलब जड़ पकड़ लिया है, और एक दो उखाड़ के मैंने खा भी लिया है इसमें से। बहुत चौड़ा वाला पत्ते वाला है, मतलब कांटे वाला पत्ते वाला, तो ये बहुत ज़्यादा पसरता है, फैलता है। मूली, अभी मूली दिखा रही हूँ, ये है मूली, मूली हो रहा है। और भी मूली हो रहा है। और ये हमारा टमाटर है, टमाटर फूल पकड़ लिया है। ये हमारा टमाटर फूल भी पकड़ लिया है, बहुत जल्द इसमें टमाटर लगेंगे, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये हमारा मिर्ची का पौधा छोटा छोटा है, इसमें घास हो गया, इसको साफ करना है, आज साफ करूंगी। मिर्ची का पौधा भी छोटा छोटा है, अबे भी छोड़ो छोड़ो ये अबे। तो ये हमारा टमाटर हो गया, और ये मिर्ची का पौधा हो गया, मिर्ची में घास हो गया, ये गाजर हो गया, ये मूली, और वो पत्ता अभी निकल रहा है, ये पालक वाला साग है, पालक वाला साग। इसमें से थोड़ा कट कट चुका है, अभी वो फिर पनप रहा है, और ये साग अभी कटेगा। और ये हमारा लहसुन भी तैयार हो गया है खाने के लिए, और ये धनिया भी तैयार है खाने के लिए। धनिया डेली डेली हम लोग इसमें से लेके जाते हैं जब भी ज़रूरत पड़ता है। और ये हमारा प्यारा सा गोभी, इतना सारा हमने गोभी लगा रखा है, और ये देखिए छोटा छोटा उसमें फूल निकल रहा है, गोभी का फूल, और इसमें भी छोटू सा छोटा सा गोभी का फूल निकल रहा है, उसमें भी छोटा सा गोभी का फूल निकल रहा है। ये थोड़ा बीच में पास गोभी है, और ये चौड़ा वाला पालक है। इस पालक को हम लोग 2-3 बार काट के खा चुके हैं, फिर भी ये पनप रहा है, और उसमें का साग खत्म हो गया। ये हमारा बैंगन,
फ्रेंड्स ये था हमारा खेत जो बहुत ही अच्छा दिख रहा था कि बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। मैं ही सारा साफ़ करती हूँ, ये बैंगन मैं ही साफ़ करी हूँ। फिर वो मतलब जब मतलब बोने का टाइम आता है तो पतिदेव जी का काम रहता है इसको खुदाई करना, बीज छिड़कना, उसके बाद सारा काम मेरा। बस वो पानी के टाइम पानी दे देते हैं सारे खेतों में, उसके बाद सारा देख रेख मुझे करना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ करना। मतलब इसमें ये सारी जो भी सब्जियां हम दिखा रहे हैं, ये जितने भी हम बो रखे हैं ना, इसमें कोई भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं डाले हैं, ये एकदम प्योर वेजिटेबल्स हैं। तो चलते हैं घर की तरफ क्योंकि ठंडी बहुत है। इधर गेहूं का खेत है, गेहूं छोटे छोटे निकल चुका है, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ हरियाली हरियाली दिख रही है। यहाँ आगी वगी भी लोग जगह जगह बार रखे हैं, धुआं वहां भी हो रहा है। ये तुम नहीं खा पाओगे, मिर्चा है इसमें। रुको रुको रुको, दे रही हूँ रुको। हम और लड्डू यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाना बन रहा है। ठंडी में चूल्हे पे खाना बनता है, अच्छा भी रहता है, बनाने वाले को भी थोड़ा आराम मिलता है ठंडी से। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दो बज रहे हैं और हम खाना वाना खा के सो गए थे। अभी लड्डू उठा है और हम भी उठे हैं। लड्डू उठ गए, बैठ गया है और देख रहा है। इतनी ठंडी है बाहर ना, इतनी बाहर ठंडी है कि बाहर निकलने का एकदम बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो हम लोग घर में एकदम पैक है, कंबल वंबल में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कंबल में एकदम पैक हो चुके हैं, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ए बेबी, हे बेबी, तुम क्या कर रहे हो? बेबी का खिलौना उतार दूं? तो जी हमारा होलिया सुबह से ऐसे ही बना हुआ है और कोई काम नहीं हुआ, बस ठंडी ठंडी ठंडी, बस कंबल में ही सारा टाइम दिन बीता। थोड़ा बहुत आग तापा हमने और कोई काम नहीं किए, बस अभी भी कंबल के पास ही हैं, देख सकते हैं लोग, अभी फोड़ किया कंबल उधर साइड में और लड्डू बस खेल रहे हैं। आ जाओ बेबी, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लड्डू तो आ ही नहीं रहा, बहुत बदमाशी कर रहा।